अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नमस्कार, आज के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करें। आपके आस्था स्थान जो भी है उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और इस श्लोक को दोहराएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुर् गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी देवता की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी हमें प्राप्त हो तो उस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ने से उपासना भी भावपूर्ण होती है। भावपूर्ण उपासना ही अधिक फलदायी होती है। इस विशेष सत्संग श्रृंखला में हम शिवजी की उपासना के विषय में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करेंगे। शिवभक्त तथा शिवजी की उपासना करने वालों के लिए यह अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी निश्चित ही उपयुक्त होगी। शिवजी की उपासना में हम भस्म धारण करते हैं, शिवजी को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, शिवपिंडी की अर्ध परिक्रमा भी करते हैं। शिव मंदिर में दर्शन हेतु जाने पर हमें वहां पहले नंदी के दर्शन करने के लिए कहा जाता है, परंतु हमें इन कृतियों के शास्त्राधार की जानकारी नहीं होती। हमारी धर्म पर श्रद्धा के कारण हम यह कृतियां वर्षों से करते आ रहे हैं, परंतु उससे होने वाले लाभ ज्ञात न होने के कारण हमसे यह कृतियां मनःपूर्वक नहीं होती। इस कारण हमें इन कृतियों से अनुभूति भी नहीं होती। इस सत्संग श्रृंखला में हम इन सभी कृतियों का शास्त्राधार देखेंगे, साथ ही यह कृतियां शास्त्र की दृष्टि से योग्य पद्धति से कैसे करें यह भी समझ लेंगे। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं शिव शब्द की व्युत्पत्ति व अर्थ। शिव यह शब्द वश शब्द के अक्षरों के क्रम बदलने से बना है। वश यानी प्रकाशित होना, अर्थात शिव वह है जो प्रकाशित है। शिव स्वयं सिद्ध व स्वयं प्रकाशी है। वे स्वयं प्रकाशित रहकर संपूर्ण विश्व को भी प्रकाशित करते हैं। शिव अर्थात मंगलमय एवं कल्याण स्वरूप तत्व। शिव अर्थात ईश्वर अथवा ब्रह्म व परम शिव अर्थात परमेश्वर अथवा परब्रह्म। माता पार्वती, कार्तिकेय, गणपति, शिवगण व शिवदूत तथा उनका वाहन नंदी, यह शिवजी का परिवार है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नंदी। वृषभ रूप में नंदी शिवजी का वाहन है। उन्हें शिवजी के परिवार में महत्वपूर्ण स्थान है। नंदी को विकसित पौरुष का प्रतीक माना गया है। अब हम समझ लेते हैं नंदी की मूर्ति का भावार्थ। नंदी की मूर्ति ध्यान से देखें तो वह तीन पैर घुटने के बल व एक पैर आधा खड़ा कर बैठे दिखाई देते हैं। नंदी के आगे के दो पैर अर्थात सत्य व तप, उनके पिछले दो पैर अर्थात दया व दान। सत्य, तप, दया व दान ये चार धर्म के अंग हैं। सत्ययुग में धर्म इन चारों अंगों से परिपूर्ण था। त्रेतायुग में धर्म के तप, दया व दान ये तीन अंग शेष रह गए। द्वापर में
तप की मात्रा कम होती गई। धर्म के दया व दान ये दो अंग ही बचे। कलयुग में सत्य तप व दया न के बराबर होकर धर्म का दान यह एक ही अंग बच गया। इस प्रकार नंदी का आधा खड़ा पैर धर्म एक चतुर्थांश शेष बचा है, इस बात का प्रतीक है। शिवालय में प्रवेश करते ही हमें पहले दर्शन होते हैं नंदी के। शिवजी के दर्शन से पूर्व नंदी के दर्शन किए जाते हैं, उसके उपरांत श्रृंग दर्शन अर्थात नंदी के सिंगों के बीच शिव पिंडी के दर्शन किए जाते हैं। समझ लेते हैं श्रृंग दर्शन की पद्धति। श्री गुरुचरित्र में बताए अनुसार श्रृंग दर्शन करते समय नंदी के पिछले पैरों के निकट बैठकर अथवा खड़े रहकर बाएं हाथ को नंदी के वृषण पर रखें, उसके उपरांत दाहिने हाथ की तर्जनी अर्थात अंगूठे के निकट की उंगली व अंगूठा नंदी के दो सिंगों पर रखें। दोनों सिंग व उस पर रखी दो उंगलियों के बीच के रिक्त स्थान से शिवलिंग को निहारें। नंदी के वृषण को हाथ लगाने का अर्थ है काम वासना पर नियंत्रण रखना। सिंह अहंकार पौरुष व क्रोध का प्रतीक है। सिंगों को हाथ लगाना अर्थात अहंकार पौरुष व क्रोध पर नियंत्रण रखना। श्रृंग दर्शन के समय होने वाले सूक्ष्म परिणामों को समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। शिवपिंडी में ओंकार का निर्गुण स्वरूप विद्यमान रहता है। शिवपिंडी के चारों ओर आनंद का वलय कार्यरत रहता है। इसके साथ ही चैतन्य का वलय कार्यरत रहता है। शिवपिंडी के चारों ओर शक्ति का वलय भी कार्यरत रहता है। श्रृंग दर्शन के लिए बनी मुद्रा के बीच रिक्त स्थान बनता है। इससे इन शक्ति चैतन्य व आनंद के वलयों द्वारा निर्गुण स्वरूप चैतन्य के प्रवाह व्यक्ति के ओर प्रक्षेपित होते हैं। श्रृंग दर्शन करने से नंदी के सिंगों द्वारा तर्जनी व अंगूठे के माध्यम से शक्ति की तरंगे व्यक्ति के देह में प्रविष्ट होती है। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा श्रृंग दर्शन करने का महत्व हमारे ध्यान में आया होगा। श्रृंग दर्शन करने के उपरांत दर्शनार्थी को क्या लाभ होते हैं यह समझ लेने से हमारी इस कृति से श्रद्धा और बढ़ेगी। आइए समझ लेते हैं श्रृंग दर्शन से होने वाले लाभ। नंदी शिवजी के सामने लीन भाव से बैठा रहता है। वह शिवजी का परम भक्त है। उससे हमें लीनता से ईश्वर के चरणों में पड़े रहने की सीख मिलती है। शिवजी के मंदिर में प्रवेश करने पर प्रथम नंदी के दर्शन करने से हमें भी लीनता निर्माण होती है। इसी लीनता के साथ श्रृंग दर्शन करने पर हमें विविध लाभ होते हैं। इनमें पहला लाभ है शिव पिंडी से प्रक्षेपित तेज सह पाना। सर्वसामान्य व्यक्ति शिवपिंडी से प्रक्षेपित तेज को सह नहीं पाता। श्रृंग दर्शन करते समय नंदी के सिंगों से प्रक्षेपित शिव तत्व की सगुण मारक तरंगों के कारण जीव के शरीर के रजतम कणों का विघटन होता है तथा जीव की सात्विकता बढ़ती है। इससे शिवपिंडी से निकलने वाली शक्तिशाली तरंगों को सह पाना
जीव के लिए संभव होता है। नंदी के सिंगों से दर्शन लिए बिना शिवजी के दर्शन करने से तेज तरंगों के आघात से विविध कष्ट हो सकते हैं, जैसे जीव के शरीर में उष्णता निर्माण होना, सिर सुन्न होना, शरीर में अचानक कंपकंपी होना इत्यादि। श्रृंग दर्शन का दूसरा लाभ है, शिवपिंडी से शक्ति का प्रवाह अधिक कार्यरत होना। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे को नंदी के सिंगों पर रखने की मुद्रा के कारण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक स्तर पर अधिक लाभ होता है। इस मुद्रा के कारण नली के समान कार्य होता है। नली से वायु प्रक्षेपित करने पर उसका वेग व तीव्रता बढ़ जाती है। इसके विपरीत पंखे की वायु सर्वत्र फैलती है। इस मुद्रा के कारण शिवपिंडी से प्रक्षेपित शक्ति का प्रवाह अधिक मात्रा में कार्य करता है। श्रृंग दर्शन का तीसरा लाभ है, शक्ति के स्पंदन संपूर्ण शरीर में फैलना। श्रृंग दर्शन के लिए की गई इस प्रकार की मुद्रा से शक्ति के स्पंदन जीव के संपूर्ण शरीर में फैलते हैं। इन स्पंदनों के कारण जीव की सात्विकता बढ़ती है, जिससे वह शिवजी का तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकता है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस विशेष सत्संग में हम शिवजी व उनकी उपासना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब तक हमने श्रृंग दर्शन की पद्धति, उसके सूक्ष्म परिणाम व श्रृंग दर्शन से होने वाले लाभ समझ लिए। शिवजी के मंदिर में जाने पर कहाँ खड़े होकर दर्शन करने चाहिए, शिवपिंडी के दर्शन किस प्रकार करें आदि के बारे में जानकारी व उनके अध्यात्म शास्त्रीय कारणों से हम अवगत होंगे एक विराम के उपरांत। देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पूजा अर्चा व्रत विधि जैसे अनेक प्रयास हम करते हैं, वास्तव में क्या हमें ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होती है? इसकी नित्य अनुभूति केवल साधना द्वारा ही हो सकती है। साधना के योग्य मार्गदर्शन हेतु सनातन का सत्संग। देश भर में 1300 स्थानों पर हो रहे इन सत्संगों के माध्यम से देवताओं की उपासना एवं त्योहार, व्रत व उत्सवों के मूलभूत शास्त्र को समझ लें, जीवन की अधिकांश समस्याओं पर मात कर जीवन को आनंदमय बनाने के लिए साधना करना सीख लें। सनातन के सत्संगों द्वारा उचित मार्गदर्शन से केवल 10 वर्षों में 5 साधकों को संत पद प्राप्त। आप भी इस सत्संग का अवश्य लाभ लें। धर्मग्रंथ अनेक, संप्रदाय अनेक, धर्म कार्य करने वाले संगठन भी अनेक, परंतु प्रत्येक की शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति हेतु कार्यरत एकमात्र सनातन संस्था। सनातन के मार्गदर्शन अनुसार साधना अर्थात नामजप समान सरल उपासना मार्ग संबंधी मार्गदर्शन, संकीर्ण सांप्रदायिकता नहीं बल्कि हिंदू धर्म के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार सीख। जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियां उतने साधना मार्ग, इस तत्व के अनुसार साधना संबंधी मार्गदर्शन। शीघ्र ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्व योग मार्गों को स्वयं में समा लेने वाले गुरु कृपा योग नामक योग मार्ग के अनुसार साधना, व्यक्तिगत साधना के साथ ही समाज की उन्नति हेतु उचित साधना का पाठ, सनातन के कार्य में सहभाग अर्थात शीघ्र उन्नति की निश्चिंति। श्री गणेशाय नमः। सत्संग के पूर्वार्ध में हमने शिवोपासना में महत्वपूर्ण श्रृंग दर्शन के बारे में जानकारी ली। इसके उपरांत शिवपिंडी के दर्शन करने चाहिए
परंतु यहाँ ध्यान रहे, पिंडी के दर्शन करते समय पिंडी व नंदी के मध्य नहीं, बल्कि पिंडी व नंदी को जोड़ने वाली रेखा के समीप खड़े रहें या बैठें। आइए समझ लेते हैं इसका शास्त्राधार। शिवपिंडी व नंदी के मध्य खड़े रहकर दर्शन क्यों न करें? शिवजी से प्रक्षेपित शक्तिशाली सात्विक तरंगें सर्वप्रथम नंदी की ओर आकृष्ट होती है। तदुपरांत वातावरण में प्रक्षेपित होती है। विशेष यह है कि ये तरंगें नंदी के माध्यम से आवश्यकतानुरूप प्रक्षेपित होती है। इस कारण पिंडी के दर्शन करने वाले पर शिवजी से प्रक्षेपित शक्तिशाली तरंगें सीधे नहीं पड़ती, अर्थात उसे तरंगों से कष्ट नहीं होता। शिवजी से प्रक्षेपित तरंगें सात्विक ही होती है, परंतु सर्वसामान्य भक्त का आध्यात्मिक स्तर अधिक न होने के कारण उसमें उन सात्विक तरंगों को सहने की क्षमता नहीं होती। इसलिए शिवपिंडी व नंदी के मध्य में खड़े होकर दर्शन करने पर उसे विविध कष्ट हो सकते हैं, जैसे सिर भारी होना, चक्कर आना, गर्माहट होना इत्यादि। अतः पिंडी के दर्शन करते समय पिंडी व नंदी के मध्य में नहीं, बल्कि पिंडी व नंदी को जोड़ने वाली रेखा के समीप खड़े रहें अथवा बैठें। शिवजी की उपासना में शिव पिंडी के पूजन का विशेष महत्व है। पूजन के लिए जाने से पूर्व आइए समझ लेते हैं शिव पिंडी के बारे में। भग प्रतीक अर्घा व लिंग प्रतीक लिंग, इनके संयोजन से पिंडी निर्माण हुई है। भूमि अर्थात सृजन व शिव अर्थात पवित्रता। शक्ति बिना शिव कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए शिव के साथ शक्ति का पूजन किया जाता है। पिंडी रूप शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। अब हम समझ लेते हैं शिवपिंडी की विशेषताएं। शिव तत्व, शिव में विद्यमान त्रिगुण अर्थात सत्व, रज व तम और सूक्ष्म तरंगे आकृष्ट कर उन्हें प्रक्षेपित करने का सामर्थ्य शिवपिंडी में होता है। शिवपिंडी द्वारा तारक शक्ति और मारक शक्ति निरंतर प्रक्षेपित होती रहती है। आवश्यकता अनुसार इसकी मात्रा बदलती है। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होने के कारण उससे सघन मात्रा में शिव तत्व का तेज व शक्ति प्रक्षेपित होती रहती है। भूमि पर होने वाली शिवपिंडी में निर्गुण तत्व व शिव की मारक शक्ति व तेज प्रक्षेपित होता है। सर्वसामान्य इसे सह पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ स्थानों पर शिवपिंडी भूतल के नीचे होती है। शिवपिंडी से निरंतर तेज व शक्ति का प्रक्षेपण होता रहता है। इससे शिवपिंडी के निकट तापमान में वृद्धि होती है और वहां पर उष्णता का अनुभव होता है। इसलिए शिवपिंडी पर जलधारा का प्रवाह बनाए रखना चाहिए, इससे तापमान नियंत्रित रहता है। आइए शिवपिंडी के कारण सूक्ष्म स्तर पर होने वाले परिणामों को समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कुणकेश्वर गांव में स्थित श्री कुणकेश्वर की पिंडी का सूक्ष्म चित्र। पिंडी के बीच में बीज मंत्र ओंकार का
नाद स्वरूप में प्रक्षेपण होता है। यहाँ पर अनाहत नाद सुनाई देता है। उसके चारों ओर शांति का वलय कार्यरत रहता है। इस शांति के वलय से शांति का प्रवाह निकलता है, जो अर्घा द्वारा शांति की तरंगों का वातावरण में प्रक्षेपण करता है। इस अर्घा से शक्ति के प्रवाह व चैतन्य के कण प्रक्षेपित होते हैं। शिवपिंडी से चैतन्य के वलयों का पूरे शिवालय में प्रक्षेपण होता रहता है। शिवपिंडी द्वारा शक्ति के कणों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। शिवपिंडी के कारण वातावरण पर होने वाले परिणाम हमें इस सूक्ष्म चित्र से समझ में आए। अब हम समझ लेते हैं शिवपिंडी का कार्य। इनमें पहला कार्य है ज्ञान, भक्ति व वैराग्य तरंगे प्रक्षेपित करना। शिवपिंडी द्वारा सत्व प्रधान ज्ञान तरंगे, रजो प्रधान भक्ति तरंगे व तम प्रधान वैराग्य तरंगे प्रक्षेपित होती रहती है। महाशिवरात्रि के दिन इस प्रक्षेपण में वृद्धि होती है। शिवपिंडी का दूसरा कार्य है चैतन्य, आनंद व शांति की सूक्ष्म तरंगे प्रक्षेपित करना। शिवपिंडी द्वारा चैतन्य, आनंद व शांति की सूक्ष्म तरंगे प्रक्षेपित होती रहती है। महाशिवरात्रि के दिन इस प्रक्षेपण में वृद्धि होती है। इससे शिवपिंडी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सूक्ष्म देह शुद्ध होते हैं व आवश्यकता अनुसार सूर्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। साथ ही उनके देहों के सत्वगुण व चैतन्य ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। शिवपिंडी में विद्यमान शिव के निर्गुण तत्व के कारण व प्रक्षेपित होने वाली शांति की तरंगों के कारण शिवपिंडी के निकट शीतलता अनुभव होती है व मन शांत होता है। अब देखते हैं शिवपिंडी का तीसरा कार्य, मारक व तारक शक्ति प्रक्षेपित करना। शिवपिंडी में शिव का निर्गुण व निर्गुण सगुण तत्व तथा तारक व मारक तत्वों का संगम होता है। इस कारण दर्शनार्थी को आवश्यक तत्व का लाभ होता है। शिवपिंडी द्वारा मारक शक्ति प्रक्षेपित होते समय वहां के तापमान में वृद्धि होती है। वहां आनंद अनुभव होता है तथा तारक शक्ति प्रक्षेपित होते हुए वहां का वातावरण शीतल हो जाता है। साथ ही आनंद व शांति की अनुभूति होती है। अब हम समझ लेते हैं अर्घा अर्थात जलहरी के बारे में। अर्घा का मूल नाम है सुवर्ण शंखिनी, क्योंकि शंख अर्थात कौड़ी का आकार स्त्री की सृजनेन्द्रिय समान है। अर्घा की पूजा अर्थात मातृदेवी की पूजा। अर्घा के आंतरिक खांचे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके कारण पिंडी में निर्माण होने वाली सात्विक शक्ति अधिकतर पिंडी में एवं गर्भगृह में अर्थात मंदिर के आंतरिक भाग में गतिशील रहती है और विनाशकारी तम प्रधान शक्ति अर्घा के स्रोत से बाहर निकलती है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष में इस विशेष सत्संग में अब तक हमने शिवजी की उपासना में दो महत्वपूर्ण चरण श्रृंग दर्शन व शिवपिंडी के दर्शन समझ लिए। शिव पूजन से पूर्व पूजक को भस्म धारण व रुद्राक्ष धारण आदि करने आवश्यक होते हैं। यह विधि किस प्रकार करें, इनका महत्व क्या है तथा शिव पूजन किस प्रकार करें आदि सभी प्रश्नों के समाधान हेतु हमारा अगला सत्संग अवश्य देखें। श्री गुरुचरणों में हमारी प्रार्थना है
कि यह सत्संग देखकर शिव जी के प्रति उपासकों की श्रद्धा अधिक दृढ़ हो एवं प्रत्येक को अधिकाधिक साधना करने की प्रेरणा मिले। इस सत्संग में बताए गए शास्त्र के अनुसार कृति करने से आपको कोई अनुभूति हुई हो तो हमें बताएं, अथवा जो बताया गया उस विषय में कोई प्रश्न या शंका है तो हमें अवश्य पूछें। हमारा संपर्क सूत्र है हिंदू जनजागृति समिति, पोस्ट बॉक्स नंबर 46, पोंडा, गोवा 403401। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9370170704। एंड ईमेल आईडी इज dharmik.kruti@gmail.com। अब हम सद्गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर इस सत्संग को संपन्न करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है परमात्मा हम गुरु शिष्य दोनों की एकत्रित रूप से रक्षा करें, दोनों का प्रतिपालन करें, हमें एकत्र ही पुरुषार्थ प्राप्त हो, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न हो तथा त्रिविध ताप की शांति हो। हमारी पुनः भेंट होगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।